नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक कुमार आगे एक और वीडियो लेकर आप सबके सामने। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ONGC ऑफशोर की ट्रेनिंग के बारे में। ONGC ऑफशोर ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाता है, क्या क्या बताया जाता है आपको, ये बताऊंगा इस वीडियो में आपको। मैं बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, मेरे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट कर रहे थे कि इसके बारे में कुछ बताइए, तो आज का पूरा वीडियो इसी के बारे में है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अगर कुछ नॉलेज लेना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं ऑफशोर के बारे में, ऑफशोर की ट्रेनिंग के बारे में, तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ऑफशोर चाहे ONGC का हो या किसी प्राइवेट कंपनी का, ऑफशोर ऑफशोर है तो वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलने से पहले, वहाँ पे काम करने से पहले कुछ ट्रेनिंग्स होते हैं जिसके थ्रू आपके होकर गुजरना पड़ता है आपको, तभी वहाँ पे आप काम कर पाओगे, तभी वहाँ पे आप कंफर्टेबल रह पाओगे उस सिचुएशन में। क्योंकि ऑफशोर पता है आपको, आपका प्लेटफॉर्म या आपका रिग समुद्र के बीच में होगा, तो वहाँ पे काम करना, वहाँ पे रहना, वहाँ पे जाना, वहाँ से वापस आना बिना ट्रेनिंग के आपको वहाँ जाने को नहीं मिलेगा। आपको एक ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर आप गवर्नमेंट कंपनी में जा रहे हो ONGC जैसे कंपनी में, तो कंपनी खुद ट्रेन करेगी आपको, 3-4-5-6-7 दिन का ट्रेनिंग कंडक्ट करेंगी वो और आपको सारा कुछ सिखाएंगी वो। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में जाना चाहते हैं ऑफशोर में, तो कुछ कोर्सेज हैं जो कि अलग अलग इंस्टीट्यूट कंडक्ट करवाते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करके आप ये चीज़ें सीख सकते हैं। अगर आप सीख लोगे तभी आप उन प्राइवेट कंपनीज के ऑफशोर में अप्लाई कर पाओगे। वहाँ पर सर्टिफिकेशन जो है मैंडेटरी है कि आपने ये ट्रेनिंग कंप्लीट की हुई है तब आप अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जरूरी चीज़ें थी जो आपको जाननी थी। ऑफशोर में पोस्टिंग मिलने से पहले ट्रेनिंग कैसे दी जाती है एम्प्लॉयज़ को, उसका मुझे क्लिप मिला है प्राइवेट किसी कंपनी का, वो क्लिप को मैं अटैच कर रहा हूँ, आप उसको एक बार देख लो, आपको एक फील आ जाएगा, आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। जब वो एम्प्लॉयज़ को पोस्टिंग देनी होती है ऑफशोर में, उससे पहले किस तरह से कंडक्ट करते हैं ट्रेनिंग आपको समझ आ जाएगा। चलिए पहले देख लीजिए, उसके बाद मिलते हैं। This started with the helicopter escape training. When you go to Norway, there's something that's very special to Norway, and that's the Norwegian chute. It's a way of escaping off a platform. And this is very, very. ऐसे तो बहुत सारे ट्रेनिंग्स लिए जाते हैं, कंडक्ट किए जाते हैं, मगर जो दो मेजर ट्रेनिंग है जो पोस्टिंग से पहले कंडक्ट किए जाते हैं वो है, पहला हेलीकॉप्टर वाटर एंड एस्केप ट्रेनिंग, दूसरा सर्वाइवल एट सी। तो पहला का डिस्कस करते हैं हम। पहला है आपका हेलीकॉप्टर वाटर एंड एस्केप ट्रेनिंग। इसके अंदर क्या होता है, इसके नाम से क्लियर है कि हेलीकॉप्टर अंडर वाटर जाएगा तो आपको एस्केप कैसे करना है वहाँ से। आपका चॉपर जिसके थ्रू आप ऑफशोर पहुँचते हो ना, अपने प्लेटफॉर्म पर रिग्स पर लैंड करते हो, तो जाने के समय अगर उस चॉपर में कोई इशू आता है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है और उसको पानी में लैंड करना पड़ता है, तो आप वहाँ से कैसे बाहर निकलोगे सेफली, इसके लिए ट्रेन किया जाता है आपको। तो सारा कुछ ट्रेनिंग के समय बिल्कुल हेलीकॉप्टर के जैसा ही प्रोटोटाइप बनाकर उसको यूज़ करके हम लोग सीखते हैं उस चीज़ को कि कैसे एस्केप करेंगे। एक बना लेते हैं प्रोटोटाइप हम लोग हेलीकॉप्टर का और उसको स्विमिंग पूल में लैंड करके सीखते हैं उन चीज़ों को, ट्रेन करते हैं आपको कि अपने आप को कि कैसे निकलेंगे। ये पहला ट्रेनिंग का पार्ट हुआ, ठीक है। दूसरा आता है सर्वाइवल एट सी। इसके भी नाम से क्लियर है कि जब आप एस्केप करोगे, वहाँ से बाहर निकलोगे, तो जब तक कि आपको नया कोई हेलीकॉप्टर या चॉपर कोई आपको लिफ्ट करने नहीं आता या नया कोई शिप आपको लिफ्ट करने नहीं आता, तब तक आपको पानी में सर्वाइव कैसे करना है, तो उसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है आपको कि आपको सर्वाइव कैसे करना पानी के बीच में। कि आप तो हेलीकॉप्टर से, मतलब जब आपका चॉपर डूबा पानी के अंदर, तो आपने एस्केप तो कर लिया, बाहर निकल गए आप, लेकिन जब तक कोई आपको लिफ्ट करने नहीं आएगा तब तक तो पानी में रहना है ना, तो पानी में सर्वाइव कैसे करना है आपको, इसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है आपको। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, फिर से दोबारा बता रहा हूँ, ये इमरजेंसी सिचुएशन है, ये आपके लाइफ टाइम में नहीं होगा हमेशा कि आपको देखने को मिल जाए ना, ये नहीं होता। बहुत रेयरली कभी ऐसा कुछ इशू हो गया, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन हो गई तो ये होता है। लाखों में से किसी एक बंदे ने अपनी ज़िंदगी में देखा होगा ये होते हुए, सब नहीं देख पाते क्योंकि ये होता ही नहीं, बहुत रेयर। इतनी सेफ्टी प्रिकॉशन से कंपनी इस चीज़ों को कैरी करती हैं कि कोई भी इशू नहीं होता। तो दोस्तों ये दो ट्रेनिंग्स जो है वो मेजर ट्रेनिंग है। इसके अलावा और भी ट्रेनिंग आपको दिए जाते रहेंगे, जब आप पोस्टिंग आपको मिल जाएगी उसके बाद भी आपकी ट्रेनिंग चलती रहेगी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, ट्रेनिंग ऑफिसर्स हैं जो आपको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देते रहेंगे, अवेयरनेस देते रहेंगे, सेफ्टी के रूल्स आपको समझाते रहेंगे वो, तो ये चलता रहेगा। इसके अलावा बहुत सारे और ट्रेनिंग्स होते हैं, जैसे कि मतलब अगर फायर आग वगैरह लग गई तो उसको बुझाना कैसे है, उस समय पर क्या क्या एक्शन लेना है, फर्स्ट एड कैसे देना, कोई आपके साथी कुछ को साथी को चोट लग गई, साथी कहीं कुछ गिर गया, उसको फर्स्ट एड कैसे देनी है, उसके बारे में भी आपको ट्रेनिंग दी जाती रहेंगी टाइम टू टाइम दी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी में दे पाया हूँ।
आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी ऑफशोर ट्रेनिंग के बारे में, कैसे कंडक्ट किया जाता है, कैसे ऑपरेट होता है, ये सारी चीज़ें कुछ अगर आपको फील आया, कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग मिली उसकी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को और लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी मालूम पड़े इस बारे में। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, धन्यवाद।